हेलो 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 एवरीवन। सो क्या हाल है जी आप सबके। सो वेलकम है आप सबका टीम 23 के अंदर, जो लोगों के सपने पूरे करने में बहुत हेल्प कर रही है। सो मैं भी, जैसे आप आज टीम 23 का पार्ट बनने वाले हो, उसी तरीके से मैं भी टीम 23 का पार्ट हूं और पिछले 3.5 साल से इसके साथ जुड़ा हूं और काफी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, काफी अच्छी लाइफ हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखा भी होगा। सो बाकी गाइस, आज की जो हमारी ये मीटिंग है, बातचीत है, ये 20-25 मिनट की रहने वाली है। बस मैं इतना आपको बता दूं, अगर आप इस मीटिंग में ये सोच के आए हैं ना कि यार कुछ बढ़िया मिलेगा, तो भाई भाई आपका ये कहने वाला है कुछ बढ़िया नहीं भाई, बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने 20-25 मिनट तक इस मीटिंग को, मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया ना, अगर तो आपने कोई शब्द मिस कर दिया, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपका ध्यान किधर और चला गया, तो भाई मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता कि इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे शब्द मैं बोलने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें जो मतलब आपकी टोटली लाइफ चेंज कर सकती है। ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई पॉइंट की बात बता रहा हूं और आपका ध्यान किसी तरफ और हो, तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर तो आपके पास 20-25 मिनट का टाइम है तो अभी देखें, अगर नहीं है तो आधी वीडियो ना देखें, मतलब आधी ट्रेनिंग लगाने का कोई फायदा नहीं, तो इसको अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्टर से पर्सन को रखने वाले हैं अपने साथ, सिलेक्टर से पर्सनों को हम ज्वाइन करवाएंगे। देखो ज्यादा ये भीड़ इकट्ठी करने वाला काम नहीं है, ये वो लोगों के लिए काम है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने मॉम डैड के, मतलब हर एक होता है ना कि सोच के रखा है आपके मॉम डैड ने आपके लिए कुछ, कि उसको पूरा करना चाहते हैं। सो गाइस, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम करण दयाल है और जैसे आप लोग आज इस मीटिंग के अंदर आए हूँ, इस वीडियो को देखने आए हूँ, करीब करीब 3.5 साल पहले, 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था तो सपने तो बड़े थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि वो सिखाया जाता ना कि मतलब घर पे कि बेटा जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, किसी ने ये नहीं बताया कि चादर नहीं ले सकते, है ना, ऐसा किसी ने बताया नहीं है। वो हमारे इंडियन मतलब लोगों में एक चीज है कि पढ़ लिख ले नौकरी कर ले, पढ़ लिख ले नौकरी कर ले, तो जहां नौकर बनना सिखाया जाता है भाई लोग, वहां पे मालिक पैदा हो ही नहीं सकते। तो मेरी जो सोच थी ना वो बिल्कुल दब चुकी थी। एक सिंपल सी मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या रास्ता होता है कामयाब होने का, सोचा कभी? जॉब होता है, जॉब करके हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये सबको पता है, है ना। चाहे आप किसी भी, मतलब जो बंदा आज जिंदगी में सक्सेसफुल है ना, कामयाब है, दुनिया के 20 जो टॉप रिच पर्सन को सर्च कर लेना, क्या वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो आज मैं आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस भी बताऊंगा और टीम 23 क्या है, ये कैसे लोगों के सपनों को पूरा कर रही है, मैं ये भी आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको मेरे बारे में जरूर पता होना चाहिए जो आपको सिखा रहा है, कि वो एक्चुअल में है कौन, कहां से आया, ठीक है जी। सो गाइस, दोबारा बता रहा हूँ, मेरा नाम करण दयाल है, बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और 3.5 साल पहले मैं चंडीगढ़ आया था, वहीं से मैंने इस बिजनेस की स्टार्टअप किया था, वहीं से स्टार्ट किया था। तो आज की मैं बात करूं तो पर मंथ की इनकम कितनी होगी आपके हिसाब से, कितनी होगी? जिन लोगों ने इंस्टाग्राम देखा है उनको तो पता होगा, ठीक है ना जी, जिन्होंने नहीं देखा है वो तो सोच नहीं सकते कि यार अच्छा इतने भी कमा सकता है कोई इंसान। तो कमा तो लोग बहुत रहे हैं जी, 10-10 लाख तो लोग एक दिन का ही कमा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग इतना पैसा कमा रहे हैं वो बड़ी बात है। गाइस, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, एक गरीब फैमिली जिसको हम बोलते हैं, तो उस फैमिली से मैं आया था, लेकिन आज यहाँ पे मेरी पर मंथ की इनकम 2 से लेकर 2.5 लाख, और मैंने अपने दम पे यहाँ पे क्रेटा गाड़ी बाय कर ली है, बहुत सारी कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ, अभी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे फिर फॉरेन जाने का प्लान है। सो अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो और खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो बने रहिएगा इस मीटिंग के साथ। बहुत सारे लोगों के ना मैसेज आ जाते हैं, सर बस ठीक है जी, आपका इंस्टाग्राम देखा था जी, आपके जैसा बनना है जी, ज्वाइन करना है जी, बस सर ठीक है जी, जैसा जैसा आप बोलोगे जी वैसा करने के लिए तैयार हूँ। भाई जी, मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि भाई किसको जो मांगोगे वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर बिजनेस है जो अमेरिका से स्टार्ट होता है और 170 देशों में चल रहा है, एक प्रॉपर बिजनेस है, उसको करने के लिए उसको समझना पड़ेगा, ठीक है जी, समझने के लिए ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। ज्वाइनिंग का क्या है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस तो सिर्फ इतना सी है, आधार कार्ड पैन कार्ड से ज्वाइनिंग हो जाती है भाई, आपको मेल आ जाती है, वो तो सिंपल फंडा है, लेकिन एक्चुअल में काम करना कैसे है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने ज्वाइन भी कर रखा है लेकिन ग्रोथ नहीं। अब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर ये टीम 23 में ही इतनी ग्रोथ क्यों है? सो भाई, टीम 23 में यूनिटी है,
आप इस चीज को समझे कि बहुत बड़ी यूनिटी है। मतलब मैंने आज तक देखो जो पर्सन तो हमारी टीम में है उसकी तो हमने सपोर्ट करनी है, जो नहीं भी है ना हम उस पर्सन की भी सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है टीम 23 का। सो ठीक है जी, करें मैं मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर कर दूं स्टार्ट। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये कि मैं ऊपर वाले से कहना चाहता हूँ, बेनती करना चाहता हूँ, अरदास करना चाहता हूँ कि जो मैं सिखाने वाला हूँ ना आपके यहां तक आ जाए। जो मैं सिखाने वाला हूं अगर वो यहां से यहां तक आ गया ना तो गाइस जिंदगी का एक साल इस बिजनेस को दे देना। एक साल के अंदर अगर चार पहियों की गाड़ी आपके दरवाजे पे ना खड़ी हुई ना तो करण देओल का नाम चेंज कर देना। एक साल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन वो एक साल में क्या क्या, ऐसा नहीं कि एक साल के बाद आपको पैसा ना स्टार्ट होगा। आप इसी मंथ अगर चाहो तो 30 से लेके 35 हजार का पे आउट पहले मंथ निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए समझना होगा, सीखना होगा। तो रेडी है फिर? देखो जो तो कुछ लोग तो नेगेटिव होते हैं, भाई मेरे से ना होगा ये ना, भाई आप छोड़ के चले जाओ बस मीटिंग को। वही पर्सन यहाँ पे रुके, चलो मेरा एक सवाल है अपने मन के अंदर जवाब दे देना, उसके बाद मैं स्लाइड उठा के मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। भाई अभी तीन बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, तीन बच्चे हैं। पहले बच्चे के पास ना मतलब किस्मत बहुत अच्छी है उसकी, लक्की है बहुत ज्यादा। जो दूसरा बच्चा है उसके डैडी के पास, उसके डैड के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तीसरे बच्चे की ना तो गाइस किस्मत अच्छी है ना उसके डैड के पास पैसा है, लेकिन उसके अंदर ना भाई ये जुनून बहुत है। अब मेरे को ये बताओ आने वाले 20 साल के बाद सबसे ज्यादा अमीर या सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे ज्यादा रिच कौन होगा? यस यस, आपसे पूछ रहा हूं। आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है? तीसरा पर्सन। क्यों? उसके अंदर जुनून है। मैटर नहीं करता आप गरीब फैमिली में पैदा हुआ, मैं भी गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन आज 2 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ कमा रहा हूं। अगर दम है ना अंदर, अगर जुनून है, तो गारंटी लेती है टीम 23 आपको कामयाब करने की, गारंटी। ठीक है, मैं अभी आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जस्ट जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। सो आई थिंक मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, बस हल्की सी स्माइल कर दो यार चेहरे पे, मैं समझ जाऊंगा। ओके ओके ओके, सो वेलकम है जी एक बार फिर से आप लोगों का टीम 23 के अंदर। यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सो ये है हमारी टीम 23। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दीप सर हैं, हमारे अजय सर हैं, हमारे मंजीत सर हैं, संदीप सर हैं, दीप सर हैं, हैप्पी सर हैं, ये मेरी फोटो है। अच्छा आप एक चीज देखो, ये पर्सन जो आपकी स्क्रीन में है कितनी उम्र होगी इन सबकी, कितनी एज होगी? किसी 80 साल होगी, किसी की 70 साल, 60 साल, 50 साल? नहीं ना, सबकी एज मतलब 20 साल से लेके 30 साल के अंदर है। तो 20 साल से लेके 30 साल के अंदर ये लोग इतना ग्रोथ कर चुके हैं। ठीक है जी, अजय सर खड़े हैं, कितनी उम्र है जी? 25 साल की उम्र है, लेकिन 25 साल की उम्र में ये देखो कि पर मंथ 5 लाख कमा रहे हैं गाइस, 5 लाख, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं। और दूसरी चीज, सभी गाड़ियों का नंबर कितना है? 23। नोट हो रही है आपको ये चीज? ठीक है जी। उसके बाद हमारे मंजीत सर, सर ने पहले मतलब कॉलेज में स्टडी भी करवाई है और भी मतलब सिविल इंजीनियर कुछ ऐसा होता है, तो वो भी सर ने काम किया है। तो मतलब काफी स्ट्रगल की है जिंदगी के अंदर, लेकिन आज सर भी बढ़िया मतलब सर सीनियर हैं जी हमारे। तो उसके बाद संदीप सर, और संदीप सर ने पहले आइडिया में जॉब की है, जो सिम नहीं देते होते हैं ना कि उस चीज में जॉब की है, लेकिन आज FLP में और हमारे टीम 23 में काम कर रहे हैं। उसके बाद है दीप सर। अच्छा ये इंसान के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो मतलब वरना के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़ा है ना, ये वो इंसान है जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर ये इंसान मेरे को ना बताता ना कि टीम 23 भाई ये है, ये यहाँ पे ऐसे पैसा आता है,
भाई आज मैं आपका भाई दिहाड़ी कर रहा होता कहीं, मेरी उससे ऊपर औकात है ही नहीं थी, मैं दिहाड़ी कर रहा होता कहीं। मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, आज चाहे एक ऐसा टाइम था गाइस की नेट पैकेट लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, आज लाखों के फोन है, लाखों के लैपटॉप है, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है ये, ठीक है। और हर टाइम इस पर्सन की फोटो ना मेरे मतलब स्क्रीन पे लगी रहती है हर टाइम, क्यों? इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। अगर मेरे को ये ना बताता, मेरे को पता ही ना चलता। जिसने आपको आज बताया है वो पर्सन आपके लिए भगवान है, जो आने वाले 3-4 मंथ के बाद आपको पता चलेगा जब बढ़िया पैसा आना स्टार्ट हो। और यहां तक कि इस भाई का परमानेंट टैटू भी, दीप सर का परमानेंट टैटू भी मेरे हाथ पे बना हुआ है। तो कल को लोगों के हाथों पे, ठीक है जी, हर आपके टैटूस बने होंगे तो आपको कैसा लगेगा? आज चाहे आपको लग रहा होगा यार मैं कहां कर लूंगा, मैं मानता हूं आज चाहे आप आम इंसान हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आने वाले समय में टीम 23 ने आपको एक खास इंसान बना देना है, समझ रहे हो ना, आम से खास इंसान बना देना है। चलते हैं जी आगे। सो उसके बाद जितनी भी आप तस्वीर देख रहे हो ना, जितनी भी यहाँ पे ना, मैं एक पर्सन के बारे में जरूर गाइस आपको बताना चाहता हूँ। जो वरना के लास्ट फोटो है ना, जो वरना गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके अंदर एक पर्सन बैठा है करम जी सर। तो मैं ना मतलब इस पर्सन से बड़ा मतलब इंस्पायर हुआ हूं, क्योंकि इस सर ने ना गाइस वेटर तक का काम किया हुआ है। सोच के देखो आप, वेटर तक का काम किया हुआ है, जो लेटर डालते हैं ना हम, सरिया वगैरह बांधते हैं, वो तक का काम किया गया, लेकिन आज लाखों में कमा रहा, टॉप मॉडल वरना गाड़ी इंजॉय कर रहा है। मैटर नहीं करता आपकी स्टडी कितनी है, जात कौन सी है, रंग कौन सा है, डज नॉट मैटर ब्रदर। मैटर ये करता है जुनून है, पेशेंस है अंदर बिजनेस को समझने के लिए, ठीक है जी। ये होगा कैसे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, करना क्यों है भाई उसकी टेंशन लो। अगर कर्जा है सिर पे, जॉब से नहीं उतरेगा, ये बिजनेस उतारेगा, उसकी टेंशन लो, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हो हमारी टीम में हर मंथ नई गाड़ियां आ रही है, नई अचीवमेंट्स हो रही है। मिस्टर पवन जी हैं, कितनी उम्र है, 20 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र में 3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, और XUV300 उसने गाड़ी बाय की है, और एक ही फैमिली में 7 मैनेजर हैं, 7 लोग मैनेजर हैं एक ही फैमिली में। अब आते हैं मुद्दे पे, पॉइंट पे, इसको समझने के लिए प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते होते हैं गाइस, पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरा फ्रेंचाइजी, चौथा टीम 23। जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना, जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना, ठीक है। चलते हैं जी, पहले तो देखते हैं जॉब। ओ माय गॉड, कितनी सैलरी मिलती है भाई अब जॉब में, कितनी, 10,000 से लेके 20,000। सिंपल सी कैलकुलेशन ऐसी बता देता हूं, अगर आप 10,000 पर मंथ का कमा रहे हो, एक साल में कितना कमाओगे 1,20,000, 2 साल में कितना कमाओगे, 2,40,000। अगर आईफोन लेना है तो आईफोन लेने के लिए 2 साल जॉब करनी पड़ेगी। और जो बंदा 10,000 कमा रहा है, क्या 10,000 बचा रहा है? जो 10,000 कमा रहा है, 15,000 तो खर्चा हो रहा है, उल्टा कर्जा चढ़ रहा है ऊपर। तो ये जॉब वाला फंडा तो शायद मेरे हिसाब से बाहर है। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जॉब का काम क्या है कि भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी, सीधी सी बात है भाई लोग। जॉब का मतलब क्या है, ज्वाइन अदर बिजनेस, आप किसी के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जॉब में भाई जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ठीक है, पहले तो बॉस की गालियां, चाहे अच्छा काम कर लो फिर भी कोई ना कोई कमी रहेगी ना, तो बॉस वहां पे तारीफ नहीं करेगा, ये कहां गलत कर दिया, ये वहां कर दिया। मतलब जिंदगी में और कुछ चेंज नहीं हो सकता, टिफिन में सिर्फ सब्जियां चेंज हो सकती है, आज भिंडी है कल को ये है, और कुछ नहीं हो सकता, सही है ना। ये न्यूज है, सबको पता है, नौकरी के लाले पड़ चुके हैं, है ना। और नॉलेज के लिए बता दूं, ये COVID-19 के अंदर 4 मिलियन लोगों की जॉब चलेगी। जो लोग 4 मिलियन लोग, 4 मिलियन पता कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख आता है, मतलब 40 लाख लोगों को अपनी जॉब से क्या धोना पड़ा हाथ। अब जिसकी जॉब छूट गई है, उसकी घर की EMI भी होगी या कुछ और खर्चा तो होगा ना, बिल वगैरह, वो बंदे भी जॉब तलाश कर रहे हैं। तो जो पहले जिनके पास जॉब थी उन्हीं को नहीं मिल रही, आने वाली पीढ़ी को कहां मिल जाएगी भाई। अभी एक और वायरस आ रहा है, देखो जो मर्जी हो जाए, जे हमारे वाला काम ऐसा है कि आप कहीं पे भी बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के इस काम को आप कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं, जब मैं फॉरेन, पीछे से मैंने दुबई में एक मीटिंग की थी, तो दुबई हम गए घूमने के लिए, गए वहीं से एक मीटिंग भी करती, मतलब दुनिया में किसी भी कोने से आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे, आए कितने लोगों के अच्छे दिन आए,
नौकरी के दे रहा है, बड़ा लोगों ने वायरल कर दिया हैशटैग मोदी रोजगार दो। भाई कहां से देगा रोजगार, कहां से दे, पॉपुलेशन ही इतनी है। सर्च करके देखना, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बन जाओ, तो वही आज आपको मैं सिखाने वाला। चलो ये तो थी जॉब की बात, उसके बाद था हमारा बिजनेस। अब बंदा कहता है जी मेरे को तो बिजनेस करना है खुद का। चलो खुद का बिजनेस करने के लिए पहले कोई आइडिया तो चाहिए ना, ऐसे हवा में तो बिजनेस हो नहीं जाएगा कि हाँ भाई तेरा भाई बिजनेस करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, गाड़ी लेके आएगा, पर करना क्या है पता ही नहीं, कुछ ही नहीं पता। समझ आ रही है ना? मान के चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके माइंड के अंदर आइडिया है कि यार मेरे को जैसे कोका कोला है ना सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे एक फैक्ट्री खोलता हूँ। फैक्ट्री खोलने के लिए भाई क्या चाहिए, जमीन, पैसा लगेगा, यस, फिर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी ऊपर, उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पानी पी लें। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो उसके बाद उसको प्रमोट करना पड़ेगा, सेल होगी, आपको प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों चाहिए, यहाँ पे दिक्कत है ना। चलो आगे देखते हैं, कुछ और है, रिस्क तो है ही, ये तो पता ही है। ये क्या है, फ्रेंचाइजी, मैंने दिखाया था ना। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि कोई बना बनाया बिजनेस जो दुनिया का नंबर वन ब्रांड है उसकी फ्रेंचाइजी खरीदो और काम करना स्टार्ट कर दो। ये मेरी गारंटी है फ्रेंचाइजी में ना आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप KFC की फ्रेंचाइजी खरीद लो जी, पिज्जा हट की खरीद लो, बर्गर किंग की, डोमिनोज पिज्जा की, मैकडी की, सब्वे की, किसी की भी आप फ्रेंचाइजी खरीद लो, आपकी सेल कभी भी कम नहीं होगी, आपका लॉस कभी भी आप लॉस में नहीं होंगे। लेकिन भाई KFC फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए कम से कम 2-3 करोड़ चाहिए होता है, तो ये भी दिक्कत है। मैं अपने पे लगा के बोल रहा हूँ, आप अपने पे लगा लेना कि स्टडी के बाद हम कर क्या सकते हैं। जॉब करने का कोई फायदा नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया। खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो जाए किधर भाई, ये भी बता दो। आप तो भाई करण देव ले आया गाड़ी है, कमा रहा है 2-2.5 लाख, भाई हमें भी बता। आज जो भाई जी जरूर बताएंगे, इतना पैसा चाहिए, सब मिलेगा। एक गाय से एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने फोन से कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस, लेकिन इसको ना मतलब कोई जोर से नहीं, इसको यहां से करना पड़ेगा, यहां से। अगर आपका ये काम कर रहा है तो आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। ऐसे करना क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो आपको जो अगर Team 23 के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर ये जो हमारी ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ नॉलेज, ये है एक सिलेक्शन पीपीटी है। यहां से जैसे इस पीपीटी में देखो बहुत सारे पर्सन ऐड है। एग्जांपल के तौर पे 10 लोगों में से हमको 3 लोग चाहिए। देखो सबके अंदर नॉलेज मतलब सबके अंदर स्किल्स नहीं होती, सब पॉजिटिव नहीं होते। कुछ लोग होंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे काम थोड़ी ना चलते हैं। तो भाई मैं जो 15 लाख की क्रेटा लेके आऊँ, क्या मैंने सकला का बंबू वाली पेंसिल से बनाई है क्या? चलता सब कुछ है, करने वाला चाहिए बस, ठीक है ना। बस हमें वो नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। तो 10 में से 3 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये एक सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग है, मैं पहले ही आपको बता दूं। स्टार्टिंग के अंदर आपको लर्निंग लेनी होती है, ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, जो हम बताते हैं उसको अप्लाई करना होता है, और जो हमारा काम है वो प्रमोट और एडवर्टाइजमेंट का है गाइस। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो हमारा काम है, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा, ये आगे शेयर करनी है। वो शेयर कहाँ पे करनी है, फोन के ऊपर। सबके पास फोन तो है। कुछ लोग कहते हैं जी सर मैं गरीब बहुत हूँ जी, मैं कुछ नहीं कर सकता जी। कुछ लोग कहते हैं सर मैं मेरे पास पैसा नहीं है जी। अरे पैसा नहीं है तभी तो बिजनेस करना है, अगर अकाउंट में 2-3 करोड़ पड़ा होता तो क्या जरूरत थी कुछ करने की, ठीक है ना। ये दुनिया ना 3 तरह की कैटेगरी से भरी हुई है। पहली जो सबसे गरीब कैटेगरी है, जिसको ना तो खाने के लिए खाना है ना सिर पे सत है। दूसरी कैटेगरी जिससे मैं आया हूँ, मिडिल क्लास, ठीक है भाई, खाने के लिए खाना मिल रहा है, रहने के लिए सत है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे। तीसरी कैटेगरी वो है, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा बंदूक सब कुछ है भाई, जिसे मिलीनियर लाइफस्टाइल बोलते हो, यहाँ पर रिच लाइफस्टाइल बोलते हो। आप कौन सी में जाना चाहते हो? देखो पहली में कोई नहीं जाना चाहता, दूसरी में हम सारे है ही हैं, तो नीचे तो कोई जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहेंगे सारे, है ना। जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हो ना, उसके लिए इसको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। जो 1990 वाली सोच है ना, ये भाई क्या आ रहा है, अभी 2022 आ रहा है, तो सोच को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा टाई अप है वो अमेरिका से है, ठीक है जी, ये उसके फाउंडर है, और इस
सिस्टम को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया, 13 मई 1978, मतलब 43 सालों से ये बिजनेस चल रहा है। जो लोग कहते हैं ना ये ऐसे काम नहीं चलते, 43 सालों से हम जितने भी इस मीटिंग के अंदर है सारे के सारे यंग हैं, सही है ना। और ये हमारा हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, ये आप गूगल करके देख सकते हो, जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा था, आप उससे कुछ भी पूछोगे ना आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जो अमेरिका के अंदर एरिजोना के अंदर है। और ऐसे पूरी दुनिया में 6000 ऑफिस है, और जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट में भी हमारा एक ऑफिस है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था, ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं था। कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुए, लेकिन लेट जरूर हो, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हुए, अभी भी मौका है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट है, जो हमारी ही कंपनी का है, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का। और ये भी कहां पे है, एरिजोना में, ठीक है। सो जो मेन हमारा काम है, सिर्फ आप बोल तो रहे हो प्रमोट करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट करना क्या है, 2-3 चीजें एडवर्टाइजमेंट करनी है। पहले तो खुद को एज ए ब्रांड हम आपको सिखाएंगे, एज ए ब्रांड आपको आगे कैसे आना है, खुद को प्रमोट करना है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे, वो अपॉर्चुनिटी आगे हमने प्रमोट करनी है। और हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम गाइस हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। पैसा भी है, सेहत भी है, एंजॉय भी है, सब कुछ है जी, सब कुछ। इस चीज पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बत्ती जलाओ दिमाग की। जॉब की मैंने बात की थी, जॉब के अंदर क्या चाहिए भाई, स्टडी चाहिए, पैसा भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस मांगते हैं। जो आप सर्टिफिकेट आप लिए घूम रहे हो ना, ये नहीं काम करते, एक्सपीरियंस पूछते हैं भाई, हाँ एक्सपीरियंस है, कहाँ पे काम किया, ये पूछते हैं, ठीक है जी। और स्टडी भी थोड़ी बहुत ही काम आएगी, क्योंकि स्टडी मतलब हमने स्टडी की कौन सी है। थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, हमने क्या लेना यार, पानीपत की लड़ाई कब हुई, टीपू सुल्तान इंडिया कब आया, बाबर को किसने मारा, यार हमने क्या लेना यार, किसी ने मर्जी मार दी, हमने क्या लेना, हमें तो ये बताओ पैसा कैसे आएगा। है किसी ने बताया ऐसा, है कोई सब्जेक्ट, झांसी की रानी की तलवार कितने इंच की थी, अबे मेरा बापू तलवार लिए खड़ा है, वो कह रहा है कुछ कर, वो बताओ पैसा कैसे आएगा, सही है ना। उसके बाद आती है बिजनेस की बारी, तो बिजनेस में आइडिया चाहिए होता है, तो बिग इन्वेस्टमेंट, पैसा भी लगाना पड़ेगा, स्टाफ भी रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी चाहिए कोई ना कोई। देखो बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। अगर ऑडी कंपनी है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी गाड़ी, हर एक चीज का प्रोडक्ट होता है, वो अलग अलग चीज है। जैसे एप्पल है, एप्पल का क्या, ये प्रोडक्ट है एप्पल का, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ कामयाबी की जो रेशियो है, जो 50-50 है भाई, ठीक है। खुद का बिजनेस करोगे मतलब कामयाब हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंचाइजी, ये मैंने आपको बोल दिया कि 100% यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि चला चलाया बिजनेस है, दुनिया का नंबर वन ब्रांड है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा, जो बापू जी हमारे नहीं देंगे, ठीक है ना। अब आती है टीम 23। आइडिया की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस की जरूरत नहीं है, हम आपको देंगे। जस्ट स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया, कामयाबी की गारंटी 101% है, 101% है। अभी कुछ लोगों को ये लगता है कि ये पर्सन जो बोल रहे हैं ये पहले ही मीर घर से होंगे। मेरे को बोलते हैं सर हमने तो आपका इंस्टाग्राम देखा था, आप तो कभी किसी कंट्री में चले जाते हो, कभी किसी कंट्री में, आप तो सर घर से अमीर हो। ये देखना, ये मेरी 3 साल पहले की वीडियो है, मतलब ऐसे ऑटो में आते थे। और जो लोग हमें बोलते थे ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब हम कामयाब हुए थे ना तो गाड़ियों का काफिला गया था हमारे हमारे गांव में। किया क्या था, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ज्वाइनिंग की, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले देख लो। ये दीप सर है जिसकी मैंने फोटो बना रखी है, दिख रहा है आपको, है ना। ये आ रहा हूं मैं, ये देख लो, ये कौन सी मर्सिडीज है देख लो है। उसके बाद जब कामयाब हुए, जब लोगों के मुंह बंद कर दिए ना, लोग कहते थे तू कामयाब नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं बन सकता, ये तब की फोटो है भाई। अगर आज आपने सोच लिया ना कि यार मेरे को मेरे गांव के अंदर ऐसे एंट्री करनी, ऐसे गाड़ियों का काफला जाना चाहिए, तो मैं आपके साथ हूं। आगे दिखाता हूं आपको। कुछ लोगों को ना ये लगता है कि वेट वेट, सॉरी सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अभी कुछ लोगों को यह लगता रहता है कि ऐसी है, ऐसे काम नहीं चलते भाई, लोग फॉरेन से मिलने आते हैं। ये देखो, ये बेलारूस से है पर्सन, ये पर्सन बेलारूस से है,
ठीक है ना, टीम 23। तो मतलब दुनिया के हर एक कोने में टीम 23 पहुंच चुकी है गाइस, लेकिन जिसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते कि उसमें हमारी गलती नहीं, उसमें उसी पर्सन की गलती है। जस्ट वेट, ओके। सो अभी आप, आपको आके करना क्या है, पैसा कैसे आएगा सर, वो तो बताओ करना क्या है। देखो जी, सबसे पहले तो आपकी रजिस्टर्स होने वाली है आज, ठीक है ना। जिसकी आज ज्वाइनिंग होगी, हम उसको कल की ट्रेनिंग के अंदर ऐड करेंगे, तो जिसके अंदर हम पूरी की पूरी आपको नॉलेज देंगे। बाकी मैं आपको सिंपल सी ना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ की, उससे थोड़ा आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे आया था। सो टाइम भी बड़ा लिमिटेड है हमारे पास। सो गाइस, आज से तीन साल पहले, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा ही हो गया, मेरी मॉम को ना हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम थी, जिसे हम काला पीलिया बोलते हैं। तो मतलब हमारी जो जमीन थी हमारे पास कुछ, तो इस चक्कर में वो गिनवी वगैरह हो गई थी। उसके बाद मेरी सिस्टर मतलब स्टडी में बहुत ठीक थी, तो उसने इंग्लिश वगैरह उसकी बढ़िया हाई थी, तो उसने कहा कि मेरे को फॉरेन जाना है। लेकिन आपको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना भाई पैसा होता नहीं है, है ना, कि वो ये सारी चीजें अलाउ कर पाए। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जमीन हमारे पास थी हमने वो बेच दी। तो इसी दौरान जो मेरा दोस्त है जिसकी ये फोटो है, मैंने इसको कॉल कर ली। मैंने कहा भाई देखो, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है ना, एयरपोर्ट कहाँ है, क्या सिस्टम है। वो ये पर्सन पहले मलेशिया रहता था, मलेशिया काम करता था, मलेशिया में मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि दिहाड़ी की काम करता था। तो यहाँ पे आया, कह रहा ठीक है भाई मैं आपके साथ चलूंगा, और कौन कौन जा रहे हैं। मैंने कहा जी सारे जा रहे हैं, बस मेरी माता नहीं जा रही, वो गाड़ी में बैठ नहीं सकती, उनको हेपेटाइटिस सी है। कह रहा यार कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा यार मेरा एक दोस्त है यहाँ पे काम करता है, तो कह रहा वो उसकी कंपनी में ना कुछ न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं, कह रहा आप एक बार वो ट्राई करवा के देखो, नहीं उन्हें वो बता के देखो। मैंने कहा यार नहीं यार, इन चक्करों में नहीं पड़ना, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई उसके कहने पे चलो हमने न्यूट्रिशन ट्राई करा दिए, ठीक है जी। कुछ ही दिनों में मॉम मतलब फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो गजब चीज है। फिर उसने बोला कि भाई हम इसके अंदर बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। कह रहा भाई कुछ नहीं करना, व्हाइट कॉलर जैसे जॉब होती है ना, वैसे ये व्हाइट कॉलर बिजनेस है ना, तो कपड़े गंदे करने, सिर्फ बैठ के इस बोलना ही है, मतलब बोलने के पैसे आएंगे। मैंने यार कमाल है, बोलने के पैसे कैसे आ सकते हैं। कह रहा तू देख चल, जा तो चल के देख ले, ठीक है जी, या मेरी बात पे विश्वास कर ले। मैंने कहा देखो ऐसे तो मैं विश्वास कर नहीं सकता, चलो चल के देख लेते हैं। जब चल के देखा ना, तो आंखें फटी की फटी रहेगी भाई जी, ऐसी होगी आंखें। मैंने कहा हैं, 19 साल का लड़का 1.5 लाख कमा रहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कहीं 10-15 हजार की कहीं जॉब मिल जाए, ठीक है ना, ये पहले की सोच बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा जी मेरे को फटाफट बता करना क्या है। कह रहा जी आधार कार्ड पैन कार्ड है। मैंने कहा है। कह रहा उससे ज्वाइनिंग हो जाएगी। आधार कार्ड पैन कार्ड से मैंने ज्वाइनिंग कराई, एक ऐप होती है आप उसको डाउनलोड कर लेना, उस समय ऑफलाइन थी, अभी ये ऑनलाइन है, वो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो वो ऐप डाउनलोड की, तो आधार कार्ड पैन कार्ड से ज्वाइनिंग करवा दी। तो ज्वाइनिंग करवाने के बाद मैंने अपने लिए कुछ न्यूट्रिशन बाय किया, तो मेरा लेवल हो गया। लेवल होने के बाद उसने मेरे को थोड़ा बहुत बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। मैंने करना स्टार्ट कर दिया, पहले मंथ की मेरी कमाई आई 3,500। मैंने कहा यार मतलब काम, मैंने ये समझ लो कि मंथ की एंड की बात है ना, 24 या 25 तारीख होगी, 24 या 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितने दिन होते हैं, इतने दिनों का मेरे को जब 3500 रुपया आया भाई, मैंने कहा चीज तो है। उसके बाद भाई फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 3500 से लेके 2.5 लाख, और अभी तक 70 लाख इस बिजनेस से कमा चुका हूँ, 70 लाख। और जिसको कोई यकीन नहीं है, या तो चंडीगढ़ में आके मैं अपनी पूरी बैंक की कॉपी दे दूंगा आपको, दिखा लेना, ठीक है ना। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके आप देखोंगे, अब जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं भाई, ये पानी पे तो चलती नहीं, पैसे भी चलती है सारा कुछ, ठीक है जी। सो बाकी ऐसा नहीं कि देखो एक ही दिन में, अगर किसी को कॉलेज में जाते हो पहले दिन ये नहीं पता लगता कि लेक्चर कहाँ है, कौन सा किधर जाना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक मीटिंग है, ठीक है। जो पर्सन मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये तो सोचने ही ना काम होगा कैसे, वो तो सिखाने के लिए हम बैठे। एक दिन में कोई भी महान नहीं बनता। अगर आप सोचो कि मेरे को बीए का एग्जाम देना है, मैं एडमिशन नहीं करवाऊंगा, सीधा एग्जाम देने जाऊंगा, क्या पास हो जाऊंगा, नहीं। थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज को समझने के लिए। जो तो समझदार बंदे हैं वो तो इस बात को समझ देंगे, जो ज्यादा ही समझदार हैं वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उसने तो ब्रह्मांड की नॉलेज है, उसने देख रखा है सब कुछ, सही है ना। सो सबसे पहले आपकी क्या होगी यहाँ पे, आईडी रजिस्ट्रेशन होगी, और उसके बाद बेसिक मतलब हमारी तरफ से आपको ट्रेनिंग जो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हमारे बिगिनर ग्रुप के अंदर आपका नंबर ऐड किया जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे 10 पर्सन है, उसमें से 3 पर्सन हमें चाहिए, ठीक है ना। अभी ये समझ लो कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर जिस पर्सन की ज्वाइनिंग होगी भाई,
ठीक है ना। अगर आपके पास अभी पैन कार्ड नहीं है तो सिंपल आधार कार्ड से ज्वाइनिंग कर सकते हो। जिस पर्सन की ज्वाइनिंग होगी उनको ही कल वाली ट्रेनिंग मिलेगी, और उस ट्रेनिंग से मैं एक एक पर्सन से, मतलब ये समझ लो कि एक एक तो नहीं, जितनी मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा पर्सन से बात कर पाऊं, ठीक है ना जी। यहां पे लिखे जाए कि 3-5, मतलब कम से कम 4 दिन आपको हमारी ट्रेनिंग रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी। 4 दिन में हम आपको पूरा तैयार कर देंगे, और उसके बाद हम फिर आपको थोड़ा सा चेक करेंगे, मतलब हमारी तरफ से एक ये समझ लो एक टेस्ट कह लो आप, आपको थोड़े सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर आप 3-4 दिन रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आप उस टेस्ट को ऐसे पास कर जाओगे। अगर उस टेस्ट को पास कर गए ना तो ये करण दयाल गारंटी लेता है आपको 1 साल में मिलियनेयर बनाने की। मिलियनेयर वो होता है जिसकी 1 साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। समझ आ रही है गाइस? मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की, ठीक है जी। यहां पे आपको सारा क्लियर आ रहा है सारा कुछ। तो बाकी टाइम आपके पास लिमिटेड सा है, अगर पूरी नॉलेज और आपको चाहिए आगे तो उसके लिए ज्वाइनिंग करनी, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं हमें सीरियस पर्सन चाहिए, ठीक है जी। और जाते जाते मैं कुछ और चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। सो गाइस एक चीज ना ध्यान से समझना, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा था तो देखो मेरे को कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को पहले दिन ही समझा दो जी सारा कुछ। मैं समझा देता हूँ क्या है, आधार कार्ड पैन कार्ड से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका लेवल हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारी तरफ से कुछ लीड प्रोवाइड की जाएगी, आप उसके ऊपर काम करोगे, आपका टीम बढ़ेगी, आपको पैसा आना स्टार्ट होगा, ध्यान से इतना ही काम है। लेकिन इसको करने के लिए भाई जी सीखना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। टीम 23 की जो सीक्रेट ट्रेनिंग है ना, मेरे सीनियर मेरे बिजनेस पार्टनर, वो बहुत सारे पर्सन आपको कल 1-to-1 मिलेंगे, लेकिन उसी पर्सन से मिला जाएगा, उसी पर्सन को नॉलेज दी जाएगी जो सीरियस है अपनी जिंदगी को लेके, अपने सपनों को लेके। सो कितने पर्सन है जो कहते हैं, जिस एक चीज को ध्यान से सुनना, अगर तो आपके माइंड के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद ये आ रहा है ना कि भाई करण दयाल तू सामने बैठा है, तुमने ये चीज 3 साल में की, आज तू कह रहा है कि भाई तुमने 70 लाख कमाया 3 सालों में, जिसके माइंड में ये आ रहा है ना कि अगर तुमने 3 सालों में किया ना भाई तो तेरा भाई 1 साल में करके दिखाएगा, अगर तो आपके माइंड के अंदर ये आ रहा है तो ज्वाइन करियो, अगर नहीं आ रहा तो ये आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप जो मर्जी करो जाके। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अंदर अगर जुनून है तो वेलकम है, पैसा जो बिजनेस आपको इतना दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो बाकी हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती है, पेरेंट्स मीटिंग, Y23, वो सारी मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो बाकी अलग अलग जगह पे हमारे सेमिनार होते रहते हैं, इंडिया में खास करके जितनी भी स्टेट है हर एक स्टेट के अंदर हमारा ऑफिस है, ठीक है, और बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी मिला जाएगा। सो बाकी मेरी तरफ से आज बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, बस जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है गाइस, टाइम बहुत कम है, सीट लिमिटेड सी है, जल्दी से जाएं और ज्वाइनिंग करें और हाई टीम 23 में इसको सीखें, काम को करना स्टार्ट करें और पैसा कमाएं, ठीक है जी। सो बाकी मैं आपका करण दयाल, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। और जाते जाते एक चीज और करना चाहता हूँ, ऊपर वाले को अरदास करना चाहता हूँ कि जैसे उसने मेरी जिंदगी को चेंज किया है ना, आप सबकी भी जिंदगी को चेंज कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। अगर आप में दम है तो आपको कामयाब होने से किसी का बाप रोक ही नहीं सकता यार, सही है ना। सो बाकी थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी जाएं जिस पर्सन ने लिंक सेंड किया था, अभी उसे कहें भाई मेरे को ज्वाइनिंग करनी है, दैट्स इट। अगर पैन कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आधार कार्ड के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी, आधार कार्ड उसको सेंड कर दें, नहीं सेंड करना तो एक ऐप होगी वो आपको बताएगा कि अब पूछोगे भाई कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप नाम की एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ ही घंटे हैं गाइस, उसके बाद हम ये मतलब जो बैच है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर कुछ काफी दिनों बाद हमारी पीपीटी होगी, फिर काफी दिन बाद आपकी बारी आएगी, इतने में तो आपको यहां से पैसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, लव यू, परमात्मा आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, लेकिन उसके लिए डिसीजन लेना पड़ा है। अभी जाएं और मैसेज कीजिए और थैंक यू जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी अपलाइन का थैंक यू जरूर किया है। आपको पता है ना इस टैटू की पावर क्या है, एक ऐसा इंसान जिसके पास नेट पैक डलवाने के पैसे नहीं थे आज 2.5 लाख पर मंथ कमा रहा है, थोड़ा सा फील किया करो। और यहाँ पे मैं बैठा हूं ना इस फ्लैट के अंदर, अगर मैं आपको इसका बाहर का व्यू दिखाऊं तो मतलब अलग ही टाइप की चीज है, आगे की ट्रेनिंग में आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहां तक बैठने की मेरी बात नहीं थी, बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से और ऊपर वाले ने अंदर इतना दम दिया है कि हाँ भाई तू कर सकता है,
लोग बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, लेकिन अंदर से आवाज आई तू कर सकता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, आप भी करो स्टार्ट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू।